Hey guys, what's up? This is Tech Swami और आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ ना, मतलब यार एकदम से मतलब ठंडे दिमाग से सुनना और उसके बाद यहाँ पे कमेंट करना कि भाई जो भी आपके मन में आए, ठीक है। अब यहाँ पे Realme X2 लॉन्च हुआ है जो कि द बेस्ट वैल्यू फॉर स्मार्टफोन, मतलब वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कहूंगा इस टाइम पे 17,000 रुपए में। मतलब बहुत ही तगड़ा फोन है, मतलब स्नैपड्रैगन 730G आना इस प्राइस के ऊपर, और उसके ऊपर से यार कैमराज वगैरह अगर हम देखें बहुत ही तगड़े हैं, और उसके अलावा अगर और भी चीजें देखें तो बढ़िया है यार, सब कुछ बढ़िया है, चार्जिंग बहुत तेज है, मतलब प्रीमियम डिजाइन है, तो X2 हमें काफी बढ़िया लग रहा है। बट यहाँ पर ना मैं आपको बताऊँ, दो कॉम्प्रोमाइजेस ऐसे हैं जो कि हमें यार पता नहीं क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन अगर देखें तो यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, अगर ये चीजें होती हैं तो बढ़िया यार, मतलब ये चीज़ें ना एक्चुअली मतलब मिस कर रहा है रियलमी, अगर ये इसको पूरा कर देना मैं कहूँगा यार बढ़िया हो जाएगा हमारा फ़ोन। अब रियलमी X2 की पहले कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में मैं बात करूँगा, उससे पहले बता दूँ यहाँ पर एक गिव अवे चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्टिसिपेट कर लो, शायद आप ये कूल से वायरलेस ईयरफोन्स जीत जाओ। एंड चलो बात करता हूँ पहले कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में। यार देखो, स्नैपड्रैगन 730G है, सबको पता है ये गेमिंग प्रोसेसर है, और डेफिनेटली यार स्नैपड्रैगन ने GB इसीलिए लगाया है क्योंकि ये गेमिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर गेमिंग को रिप्रेजेंट करने वाला एक स्मार्टफोन हमें मिल रहा है तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इसको परचेज करना, अगर हम गेमिंग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। भैया हम गेम खेलना चाहते हैं, PUBG बहुत ज़्यादा खेलते हैं आज के टाइम पे, सबसे ज़्यादा PUBG खेल रहे हैं, और PUBG ही देखते हैं भैया यहाँ पे जब हम बेंचमार्किंग करते हैं गेमिंग के लिए कि भाई PUBG कैसे कैसे चल रही है, तो नो डाउट PUBG आपकी विदाउट लैग चलेगी, कोई ऐसा मतलब दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार कि PUBG में हमें कोई दिक्कत देखने को मिलेगी, एकदम बिना फ्रेम ड्रॉप्स के मज़ेदार वाली PUBG चलेगी और हम यार यहाँ पे चिकन डिनर आराम से करेंगे। बट एक बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ, PUBG के हाई सेटिंग्स पे आप नहीं, हाईएस्ट सेटिंग्स पे खेल ही नहीं सकते हो आप। यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स को चाहे HDR जो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा आप कर सकते हो, बट फ्रेम रेट जो है वो एक्सट्रीम पे नहीं जाता भाई। अब यहाँ पर मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, बेस्ट गेम प्ले अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे स्मूथ के रखो अपने ग्राफिक्स को, एक्सट्रीम पे रखो फ्रेम रेट को, और आपको देखो क्या गजब की FPS मिलेंगे, 60 FPS मिलेगा। बट यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730G इतना कैपेबल है, बट फिर भी रियलमी ने यहाँ पे इनेबल नहीं करके दिया है, हमारे PUBG में एक्सट्रीम का ऑप्शन ही नहीं है भैया, अल्ट्रा तक चलता है, आई थिंक अल्ट्रा हाई जो भी होता है उसके बाद वहाँ तक ही चलता है, एक्सट्रीम का ऑप्शन नहीं आता। अभी आने वाले अपडेट्स में अगर इनेबल कर दें तो अच्छी बात है, बट अभी के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, और PUBG एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स को उठा नहीं पा रहा, ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए हैरानी की बात है कि स्नैपड्रैगन 730G का मतलब क्या है फिर, क्योंकि Redmi Note 7 Pro भी इस सेटिंग्स पे तो चला ही लेता है PUBG को। Note 8 Pro की बात नहीं कर रहा, Note 8 Pro में तो एक्सट्रीम अनलॉक्ड एयर एक्सट्रीम पे खेलता है G90D MediaTek होके, बट Snapdragon 730G जो इतना ज़्यादा पावरफुल है, जो कि कैपेबल है, वो यहाँ पे एक्सट्रीम का ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें PUBG के अंदर खेलने का, तो मुझे FPS जो है वो 60 कैसे मिलेगा भैया, हम तो 60 FPS खेलना चाहते हैं PUBG अगर हम हार्डकोर गेमर हैं। हाँ हार्डकोर गेमर नहीं हो बट ऐसे ही गेमिंग करते हो, PUBG थोड़ा बहुत खेलते हो तो आपको मज़ा आने वाला है। जो हार्डकोर गेमर है जिसको FPS चाहिए एकदम तगड़े वाला यार, उसको नहीं मिलने वाला ना, मतलब एक्सट्रीम का ऑप्शन ही नहीं है तो यार ये थोड़ी सी अजीब बात है कि X2 में हमें एक्सट्रीम का ऑप्शन इनेबल करके क्यों नहीं दिया गया, होना चाहिए था। अब बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि भाई एक्सट्रीम का ऑप्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, कि यार चलता है यार कोई बात नहीं यार चलता है ऐसे कैसे चलता है यार फिर तो, मतलब मैं अगर सिर्फ मैं गेमिंग के पर्पज से ले रहा हूँ फिर मैं इस फोन को क्यों लूँगा, Redmi Note 8 Pro लूँगा, एक्सट्रीम पे खेलूँगा, मजे से 60 FPS लूँगा, गजब की परफॉर्मेंस मिलती है उसमें भी, बट Realme वाले पता नहीं गत्ते फूक के बैठे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं। सेकेंड कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में बात कर लेता हूँ, यहाँ पर भैया Redmi के 7 सीरीज़ से देख रहे हैं हम, Note 7 सीरीज़ से, इवन कि छोटे वाले कुछ फ़ोन्स में भी P2i की कोटिंग मिलती है, नैनो कोटिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारे जो होते हैं सिम ट्रे है या और भी कई पोर्ट्स हैं जिसके अंदर कोटिंग की जाती है, जिसके कारण फोन हमारा स्प्लैश प्रूफ बन जाता है, मतलब थोड़ा बहुत पानी वगैरह गिर जाए तो फोन को कुछ नहीं होता। रियलमी ये दे ही नहीं रहा है, मतलब X2 आ गया इतना अच्छा फोन 17,000 में, वो कोटिंग ही नहीं है भैया, स्प्लैश प्रूफ कब दोगे, कह के थक गया, पूछ के थक गया हूँ, नैनो कोटिंग आ ही नहीं रही रियलमी के फोन में। मतलब यार कंपटीशन को देखो ना, अगर आपका Redmi Note 8 Pro ले रहे हो, Note 7 Pro ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, P2i की कोटिंग है, गलती से थोड़ा बहुत पानी गिर भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, सिम ट्रे भी आराम से अंदर बाहर नहीं होती उसकी, क्योंकि उसमें कोटिंग है भैया, प्रोटेक्टेड है, आपके थोड़ी बहुत ही वाटर डैमेज को वो सह लेता है डिवाइस,
पर अगर आप रियलमी एक्स टू ले रहे हो, रियलमी फाइव प्रो ले रहे हो या रियलमी एक्स ले रहे हो, इनमें पी टू आई की कोटिंग ही नहीं है भैया, मतलब थोड़ा भी पानी गया तो डैमेज हो जाएगा यार फोन। तो यार वो तो होनी चाहिए ना, अगर दूसरा ब्रांड दे रहा है तो आप कंपटीशन में हो, तो ऐसी एक जो कि बहुत ज्यादा नीड वाला यहाँ पे चीज है तो वो तो आनी चाहिए ना फोन में। पी टू आई, मैंने कह रहा आईपी रेटिंग दो यार, पी टू आई की कोटिंग दो, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत पानी इस पर गिर जाए तो मैं मतलब समझ पाऊँ कि यार बच जाएगा मेरा फोन। पर अगर थोड़ा बहुत पानी गिर गया रियलमी एक्स टू पे, पर टेंशन आ जाएगी ऐसी वाली कि भैया फोन तो गया, और चांसेस ये होंगे कि आपका फोन गया। तो भाई ये दो कॉम्प्रोमाइजेस बड़े हैं, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। अब ये मत सोचना मैंने नेगेटिव वीडियो बनाई, बट ये सच है तो मैंने बताई। बाकी रियलमी एक्स टू को मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, बेस्ट वैल्यू फॉर स्मार्टफोन है, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आप परचेस करना चाहते हो 17,000 में, बेचे चक करो। बट मेरे को इन दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा हैरानी हुई है कि ऐसा क्यों है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं टेक स्वामी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहो, सपोर्ट करते रहो। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखो अपना और पहचान वालों का। की स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइस, बाय बाय।